अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बच्चों के साथ साइकिलिंग करने आए हैं और ये देखें एजाज, जिन्होंने 9 किलोमीटर कर लिए। नहीं अभी कहाँ, कितना हुआ है? 3.5 किलोमीटर। तुम लोगों को छोड़ने के बाद आऊंगा। कल इन्होंने 9 किलोमीटर किया था। कल मैंने 15 किलोमीटर किया था। ओहो, 15 किलोमीटर किया था। बात है, वो जो किसी को याद नहीं कहता है, ये बहुत अच्छे इन्होंने रोजे भी रखे। कहता है इनको ये बताओ ना जो मैंने नमाज पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, इन्होंने 9 नहीं 15 किलोमीटर किए थे। और आज हम दोबारा से आए हैं बच्चों के साथ। सो क्योंकि आजकल मेरी शुगर निहारमू 200-180 आ रही है, तो मैंने सोचा वॉक करने के बजाय साइकिलिंग की जाए। चलो आ जाओ। ये देखिए, अब हमारी ब्रेक का टाइम है। ओ सो ये देखिए कितने खूबसूरत पॉइंट पे हम साइकिलिंग करने आए थे। ये हमारे घर के पीछे 5 मिनट की वॉक है। सो जैसे कि शुगर 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन और स्ट्रेस। इन कुछ चीज़ों को आपने अपनी सेहत से दूर रखना है और कुछ को मेंटेन रखना है। लिहाजा इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं वॉक या साइकिलिंग या एक्सरसाइज करती रहती हूँ ताकि मेरी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। लेकिन 1 महीने की छुट्टियों के बाद शुगर निहारमू बहुत हाई आ रही थी, जिसकी वजह से अभी मुझे थोड़ा मज़ीद ज़्यादा एक्सरसाइज, वॉक और डाइट का कंट्रोल करना है ताकि वो अपने लेवल पे आ जाए। इसलिए आजकल ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू की। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।